हेलो ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। सो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 9th क्लास का सिलेबस, राइट? सो इस वीडियो के थ्रू आपका पूरा सिलेबस मिलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, राइट? और साथ साथ आपका फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी मिलेगी, दैट इज़ फॉर नंबर सिस्टम, राइट? तो आप लोग एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, और इसकी जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है मैं आपको फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे सेंड करने वाला हूँ, राइट? तो जिन्हें भी चाहिए इसकी सॉफ्ट कॉपी वो मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू लिख देगा तो मैं सेंड कर दूँगा, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें मैं सेंड कर दूँगा, तो आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सिलेबस क्लास 9th का, राइट? सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स का कोड। स्टूडेंट, मैथ का कोड होता है आपका 041। क्या होता है? 041, राइट? अगर आपसे 041 कोड की बात करता तो यानी मैथ से रिलेटेड बात कर रहा है, राइट? स्टूडेंट, मैथ का जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, और इंटरनल नंबर जो स्कूल से जाएंगे वो 20 मार्क्स के जाएंगे, यानी टोटल मिला के 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, राइट? सिलेबस और कोर्स की बात करें तो आपका नंबर सिस्टम है 8 मार्क्स का, एलजेब्रा आपकी 17 मार्क्स की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 4 मार्क्स की, ज्योमेट्री है आपके 28 मार्क्स की, मेंसुरेशन है आपका 13 मार्क्स का, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है आपकी 10 मार्क्स की, राइट स्टूडेंट? तो देख लीजिए सारे चैप्टर्स पॉइंट वाइज, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, आपको नज़र आ रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। रोज़ाना पढ़ेंगे, रोज़ाना वीडियोस आपके पास आएंगी, रोज़ाना आपके पास सॉफ्ट कॉपीज आएंगी, डिले मत करिएगा एक भी दिन का, एज इट इज़ अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। सबको मिल गया क्या? सब लोगों ने लिख लिया है? उसके आगे मार्क्स भी लिखे हुए हैं, और जो मैं किस सेक्शन में आता है, ज्योमेट्री में आता है, मेंसुरेशन में आता है, किस में आता है, मैंने आपको वो भी लिख के दे दिया है। टोटल मिला के 15 चैप्टर्स आपको अपने कोर्स में पढ़ने हैं। चलें आगे। नाउ नेक्स्ट, इंटरनल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स आपके 20 मार्क्स हैं, जिसमें आपका पेन पेपर टेस्ट यानी जो आपके असेसमेंट वगैरह टेस्ट होते हैं वो 10 मार्क्स के होंगे। पोर्टफोलियो यानी आपका डेटा जो आपने पूरे साल आपने किस तरीके का बिहेवियर किया है, आपकी कॉपीज़ का रिकॉर्ड वो आपका 5 मार्क्स का है, और लैब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपके 5 मार्क्स का। तो ऐसे करके 20 मार्क्स इंटरनल हैं, और टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। पहले चैप्टर की बात करें तो स्टूडेंट, पहले चैप्टर जो आपका 8 मार्क्स का नंबर सिस्टम, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसी वीडियो के थ्रू, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले नंबर बात करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, और साथ में 0, यानी जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो आपके होल नंबर कहलाए जाते हैं। इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सारे नेगेटिव नंबर भी आएंगे, 0 भी आएंगे, और सारे पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, वो सारे इंटीजर्स होते हैं आपके। एक बात गौर करने वाली है आपके होल नंबर और नेचुरल नंबर में, क्या कि सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होते हैं, और सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि जो आपको पता है 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। ये मैंने आपको एक नंबर लाइन दिखा रखी है, अगर आपको नज़र आ रही है तो 0 से स्टार्ट होने वाले आपके होल नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले आपके नेचुरल नंबर होते हैं, और नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 आपके इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर को आप क्यू से डिनोट करते हैं, यानी जिनमें ऊपर वाला न्यूमरेटर भी होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर भी होता है, वो आपका एक रेशनल नंबर कहलाया जाता है। चलें आगे स्टूडेंट्स। चलिए, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर रेशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर आर रेशनल, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर रेशनल, क्वेश्चंट ऑफ टू रेशनल नंबर आर रेशनल। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि अगर दो रेशनल नंबर को प्लस करते हो तो भी रेशनल होते हैं, मल्टीप्लाई करते हो तो भी रेशनल होते हैं, डिफरेंस करते हो तो भी रेशनल होते हैं, मतलब माइनस क्वेश्चन करते हो, डिवीजन करते हो तो भी रेशनल होते हैं। इरेशनल नंबर को क्यू स्टार से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं, सिवाय परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के। जैसे परफेक्ट स्क्वायर आपके 4, 9, 16 होते हैं, इन्हें छोड़ के, क्योंकि इनका जो स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट, वो एक रेशनल नंबर बन जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट 3 होता है, तो ये आपके रेशनल बन जाते हैं।
जैसे पाई है, रूट वाले सारे नंबर आपके इरेशनल होते हैं एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर पाई एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू। ऑल नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपके इरेशनल होते हैं। अगर हम प्लस करें या माइनस करें दो इरेशनल नंबर को तो वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। और अगर हम प्रोडक्ट करें दो इरेशनल नंबर का तो वो आपके रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। आपके स्किन पे फ्लैश हो रहा है, आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। चलें आगे। द मेन टॉपिक दैट इज द रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, जिनमें सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो मिला के एक रियल नंबर बनते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो एक रियल नंबर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि आपके 1 का रूट 1 होता है, रूट 4 2 होता है, रूट 9 आपका 3 होता है, रूट 16 आपका 4 होता है, रूट 25 आपका 5 होता है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके। अगर मैं रूट एक्स वाई करूँ तो उससे मैं कहीं भी रूट एक्स इंटू रूट वाई लिख सकते हो। जैसे रूट सिक्स को आप रूट टू इंटू रूट थ्री लिख सकते हो, रूट एक्स अपॉन वाई को रूट एक्स अपॉन रूट वाई लिख सकते हो। जैसे मैंने रूट थ्री टू अपॉन थ्री को रूट टू अपॉन रूट थ्री लिख लिया, कहीं भी आप ऐसे लिख सकते हो। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी थ्री प्लस टू थ्री माइनस टू क्या होता है, थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर या माइनस माइनस टू का स्क्वायर, तो यानी कि फाइव। एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी, जब बेस सेम होता है पावर अलग अलग होती है तो बेस सेम रहेगा, पावर आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। जैसा टू की पावर थ्री इंटू टू की पावर टू, टू की पावर थ्री प्लस टू यानी कि फाइव हो जाएगा। एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, जब डिवाइड में होती हैं बेस सेम होता है तो पावर आपकी क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। एक्स की पावर ए माइनस बी, आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक्स की पावर ए बी है तो पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी, राइट। जैसे एक्स की पावर ए की पावर बी है तो ये एक्स की पावर ए बी हो जाएगा, यानी टू की पावर टू की पावर थ्री है अगर तो ये टू की पावर सिक्स हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना। वन अपॉन एक्स की पावर है कहीं पर डिवाइड में अगर टर्म है तो वो ऊपर जाके माइनस में आ जाएगी, वन अपॉन एक्स की पावर है ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस ए हो जाएगा। जैसे वन अपॉन टू की पावर टू है तो टू की पावर माइनस टू हो जाएगा। अगर किसी भी टर्म की वैल्यू जीरो है, ठीक है, पावर अगर जीरो है किसी भी टर्म की, अगर पावर जीरो है, अगर किसी भी टर्म की पावर जीरो है, फिर से बोलता हूँ, किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है। किसी की पावर अगर जीरो कहीं पे दिखाई देती है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, वन होगी। टू की पावर जीरो, टू की पावर थ्री की पावर जीरो, फाइव की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो, ए की पावर जीरो, सेवन प्लस रूट थ्री की पावर जीरो, तो सबकी वैल्यू कितनी लिखोगे आप, वन, बिना देखे सॉल्व करे बिना क्या लिख दोगे, वन, राइट स्टूडेंट। तो सबको वो सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ गई हैं सारी। सो स्टूडेंट्स, जितने भी लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से, तो ये सारी थ्योरी आप लोग कवर कर लेंगे अपने आज की कॉपी में। कल फिर मैं आपको अगली वीडियो लेके आऊँगा, इससे आगे काम की पीछे की बात नहीं करेंगे, आप यहाँ तक का काम इस 24 घंटे में कवर कर लेंगे अपनी कॉपी में, लर्न कर लेंगे अच्छे से। नाइन्थ क्लास के सब नाइन्थ क्लास के सारे बच्चे इस वीडियो के थ्रू सब चीज़ें याद कर लेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे। मैं कल फिर एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें सारी की सारी थ्योरी आपकी होगी और आगे क्वेश्चंस होंगे। तो टिल देन आप लोग सब कवर कर लीजिए। किसी को इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, किसी को अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख दें, या किसी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो मैं इसकी ये वाली थ्योरी आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, राइट। पर आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, 24 घंटे के बाद दोबारा वीडियो आ जाएगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ स्माइली फेस स्टूडेंट एंड ऑल द बेस्ट।